करेंगे कि किस तरह से हम पिक्चर्स की मदद से वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम दो सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, एक विंडोज़ मूवी मेकर और पिकासा। आज मैं आपको पिकासा से किस तरह से हम पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, मूवी बना सकते हैं पिक्चर्स की मदद से, वो सीखेंगे। देखते हैं। ओपन कीजिए पिकासा। पिकासा की खास बात यह है कि सारे पिक्चर्स आपको यहाँ पे सामने ही मिल जाते हैं, तो आपको इन्हें सर्च नहीं करना होता। बस आप इसमें से पिक्चर चूज़ कीजिए जिसको आपको वीडियो क्रिएट करना है। तो मान लीजिए इसमें से हम कोई पिक्चर्स लेते हैं। ये मेरी कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनी हुई है टेलीज के ऊपर, इसका एक वीडियो क्रिएट करना चाहता हूँ मैं। तो इन वीडियोज़ के लिए आप इन पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल प्लस ए दबा दीजिए या कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कीजिए। ये मैंने सारी पिक्चर सिलेक्ट कर ली। इसके बाद आप मेन्यू में क्रिएट पर क्लिक कीजिए और इसमें आप क्लिक कीजिए मूवीज़ में फ्रॉम सिलेक्शन, मतलब जो भी सिलेक्टेड है वो आपके मूवीज़ में आ जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक्चर्स क्रिएट हो गए हैं। आप चाहें तो इसमें और क्लिप जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे आप? क्लिप्स पे क्लिक कीजिए और गेट मोर पे क्लिक कीजिए। गेट मोर पे जैसे आप क्लिक करें तो आप पिकासा विंडो पे आ जाएंगे और यहाँ से आपको और दूसरी जो भी ठीक लगे फ़ोटोज़ आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये पिक्चर्स भी ऐड करना है, तो इस पर मैंने क्लिक किया और मूवी मेकर के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ जुड़ जाएगा। पोजीशन चेंज कर सकते हैं आप, इसको मूव कर थर्ड फर्स्ट सेकंड बना सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ से इसको क्रॉस करके हटा भी सकते हैं। इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं गेट मोर की मदद से, प्लस की मदद से रिमूव कर सकते हैं और माइनस की मदद से, क्रॉस की मदद से। इसके बाद आप यहाँ आएंगे फ्रंट पे, जो फ्रंट स्लाइड आएगी आप उसमें क्या लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। लिखने के लिए आप स्लाइड पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो भी आप लिखना चाहें उसके बारे में लिख सकते हैं। अभी मैंने लिखा हुआ है कोर्स ऑफ डेली PPT और October 3, 2017। इसको आने का जो स्टाइल इफेक्ट है वो कौन सा रहे वो भी हम चेंज कर सकते हैं, जो अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हैं। इसकी पोजीशन क्या रखनी है, ओके। इसके बाद आप यहाँ पे मूवीज़ पे जाकर इसका ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। हर एक स्लाइड के बाद सेकेंड स्लाइड कितने सेकेंड पर आए, तो स्लाइड ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे अगर इसको कर दिया 6 सेकंड तो 6 सेकंड बाद आएगा। ज़्यादा नहीं करते हम इसको, 1.3 कर देते हैं, ओके। ये हमारा बन गया। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, इसके एक बार चेक कर लेंगे प्रीव्यू। ठीक, इसको पॉज किया मैंने। प्लस करना है मुझे एक और स्लाइड इसी में, तो क्लिक किया इसी पर, इसको मूव किया फर्स्ट पे और इसके बारे में और कुछ लिखना हो तो लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया क्रेडिट। ओके, अब इसको हम क्रिएट कर देंगे। कैसे करेंगे? क्रिएट ए मूवी पे क्लिक करना है बस। ये हमारा ड्राफ्ट अब रेडी हो रहा है, आफ्टर कुछ सेकंड ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए लगभग ये कंप्लीट हो गया है, 89.3% हो गया, 93%। ये मेरी मूवी क्रिएट हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें जैसा मैंने लिया है वैसा आ रहा है। आप इसको डायरेक्ट YouTube पे अपलोड कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से कोई साउंड ट्रैक आप YouTube की मदद से अपलोड इसके साथ अटैच कर सकते हैं, तो आपका एक कंप्लीट वीडियो कंप्लीट हो जाएगा जिसे आप अपने पब्लिश कर सकते हैं या अपने पर्सनल यूज़ में ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।